हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, थंबनेल देख के तो आपको पता चला ही होगा कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, आज को हमारा टॉपिक है कि हम अपने सब्सक्राइबर को हाइड कैसे करें। दोस्तों, ऐसा वीडियो तो कोई भी यूट्यूबर बना के आपको बताता है कि सब्सक्राइबर हाइड कैसे करने होते हैं, लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल बताऊँगा सब्सक्राइबर हाइड कैसे करने हैं और क्यों करने हैं, उसके बेनिफिट और उसके नुकसान के बारे में सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को एक लाइक जरूर करना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि सब्सक्राइबर हाइड क्यों करने हैं। दोस्तों, जब भी आप नया कोई यूट्यूब चैनल बनाते हो और आप उस पर वीडियो अपलोड करते हो तो आपके एकदम जीरो सब्सक्राइबर रहते हैं। यानी कोई भी यूट्यूबर के पहले शुरू में स्टार्टिंग में सब्सक्राइबर नहीं होते, इसलिए सब्सक्राइबर हाइड करने पड़ते हैं। जब भी आप कोई वीडियो अपलोड करोगे और वो वीडियो आप पब्लिक के पास जाएगा, तो पब्लिक के पास जाने के बाद वो आपका पहला सब्सक्राइबर देखते हैं, सब्सक्राइबर कितने हैं। अगर आपके सब्सक्राइबर कम होंगे, 10, 20 या 100, 150 ऐसे सब्सक्राइबर होंगे, तो उनको लगेगा ये वीडियो अच्छा नहीं बनाता या इसके वीडियो में दम नहीं है, और वो आपका वीडियो देखते नहीं और आपका चैनल भी सब्सक्राइब नहीं करते। तो दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हमेशा के लिए अपने सब्सक्राइबर हाइड करें। दोस्तों, ऐसा नहीं है। आपके सब्सक्राइबर जब बढ़ेंगे, 1000 होंगे या 2000 होंगे, तो आप उसको पब्लिक को दिखा भी सकते हैं, लेकिन जब तक आपके कम सब्सक्राइबर है तब आपको हाइड ही करने पड़ेंगे। इससे बेनिफिट ये है कि आपके सब्सक्राइबर भी बहुत जल्दी जल्दी बढ़ते रहेंगे और आपके वीडियोस पर व्यूज भी बहुत आने लगेंगे। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, मैं आपको दिखा देता हूँ कि सब्सक्राइबर हाइड कैसे करने होते। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल का ब्राउजर ओपन कर लेना है। आपके फोन में जो भी ब्राउजर है आपको ओपन करना है। चलिए मैं अभी मेरे फोन का क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों, आपके फोन में जो भी ब्राउजर है, आप क्रोम ब्राउजर इंस्टॉल कर नहीं है तो इंस्टॉल करें, क्योंकि क्रोम ब्राउजर सबसे बेस्ट ब्राउजर है। क्रोम ब्राउजर में जाने के बाद आपको अपना YouTube लॉगिन करना है। YouTube लॉगिन करने के बाद दोस्तों, आपके सामने कुछ इस तरह से पेज खुलेगा। यहाँ पर ऊपर आपको या कोने में साइड में क्लिक करके डेस्कटॉप साइड पर क्लिक करना है। जैसे आप डेस्कटॉप साइड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ डेस्कटॉप की साइड का पेज खुलेगा। जैसे ये पेज खुलेगा दोस्तों, आपको अपने लोगो पर क्लिक करना है। यहाँ पर कोने में आप जैसे अपने लोगों पर क्लिक करेंगे, यहाँ जाना है आपको यूअर चैनल में। जैसे आप यूअर चैनल में जाओगे तो आपके सामने यहाँ पर इस तरह से आपका चैनल खुल के आएगा। आपको यहाँ पर सिंपली यूट्यूब स्टूडियो में जाना है। आप यूट्यूब स्टूडियो में जाएंगे तो आपके सामने आपके चैनल की पूरी डिटेल्स आ जाएगी। दोस्तों, अभी ये यूट्यूब चेंजेस की वजह से अभी ये क्लासिक बंद हुआ है, ये बीटा वर्जन आया है। बीटा में बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है, तो चलिए आपको मैं बता देता हूँ यहाँ क्या करना है। आपको सिंपली यहाँ नीचे आपको तीन ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। एक सेटिंग का ऑप्शन है, और नीचे आपको एक आदमी दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सिंपली आपको उस पर टच करना है। जैसे आप उस पर टच करेंगे तो आपको यहाँ बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। आपको कौन से भी एक ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपके सामने क्लासिक वर्जन ओपन हो जाएगा। जैसे ही यह क्लासिक वर्जन ओपन हो जाएगा तो देखो, आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे ऑप्शन आ गए, डैशबोर्ड, वीडियो मैनेजर, लाइव स्ट्रीमिंग, कम्युनिटी। आपको सिंपली चैनल पर क्लिक करना है। जैसे आप चैनल पर क्लिक करेंगे तो आपके चैनल का पूरा पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपके चैनल का लोगो दिखाई देगा, नाम दिखाई देगा, सब कुछ आपको यहाँ पर दिखाई देगा। चैनल पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर नीचे एडवांस सेटिंग में जाना है। जैसे आप एडवांस सेटिंग में गए तो आपको यहाँ पर नीचे दिखाई देगा सब्सक्राइबर काउंट। आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको सब्सक्राइबर काउंट के बारे में नज़र आएगा। आपको सिंपली यहाँ डू नॉट डिस्प्ले नंबर ऑफ द पीपल सब्सक्राइब टू माय चैनल, इस पर क्लिक करना है और सेव कर देना है। जैसे आप सेव करेंगे तो आपके सब्सक्राइबर हाइड हो जाएंगे, आपको किसी को भी आपके सब्सक्राइबर नहीं दिखने वाले। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।